एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट रेसिपीज में से है। वो है लहसुनी गोभी। यहाँ पर आपको इस गोभी को बनाते समय ये ध्यान रखना है कि आप जो फ्लोरेट्स यहाँ पर कट करेंगे वो फ्लोरेट्स बहुत छोटे छोटे या बहुत ज्यादा बड़े भी ना हो, आप इनको मीडियम साइज का कट करें। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि जब आप गोभी को फ्राई करेंगे, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी, तब आपको ये ध्यान देना है कि आप गोभी को सिर्फ 70% फ्राई करें। अगर आप इसको ज्यादा कुक कर देंगे या ज्यादा फ्राई कर देंगे तो क्या होगा कि जब आप इसको ग्रेवी में डालेंगे उसके बाद भी आप इसको थोड़ी देर कुक करेंगे तो आपकी जो गोभी है वो मुशी हो जाएगी, यानी आप अपने फ्लोरेट्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए देखते हैं हमें कैसे बनाना है लहसुनी गोभी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं लहसुनी गोभी, लेट्स गो। ये देखिए, ये हमारे फ्लोरेट्स हैं, इनको मैंने कुछ इस साइज में कट किया है। आप बहुत ज्यादा बड़े फ्लोरेट्स नहीं काटने हैं आपको। सेकेंड थिंग, आप फ्लोरेट्स को काटने के बाद इसको अच्छे से वॉश कर लें और वॉश के बाद आप इनको ऐसे ही ओपन छोड़ दें ताकि जो एक्सेस वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए, ताकि जब हम इनको तलें तो हमारे ऊपर कोई भी ऑयल ना आए। चलिए अब हम इनको तलना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें फ्लोरेट्स डालेंगे। फ्लोरेट्स डालते समय आप ध्यान रखिएगा कि आप किसी स्पैचुला में रखकर ही फ्लोरेट्स को डालें, अदरवाइज आपके ऊपर ऑयल आ सकता है। और आपको पैन को बहुत ज्यादा क्राउडेड भी नहीं करना है, तो आप थोड़े थोड़े करके फ्लोरेट्स को फ्राई करें। यहाँ पर मैंने जो हीट है वो मीडियम रखी है ताकि हमारे जो फ्लोरेट्स हैं वो इवनली कुक हो जाएं। अगर आप इनको हाई हीट पर फ्राई करेंगे तो आपकी जो फ्लोरेट्स हैं वो अंदर से कुक नहीं होंगे लेकिन बाहर से वो बर्न हो जाएंगे, जल्दी ही वो गोल्डन हो जाएंगे, जो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो फ्लोरेट्स है वो अंदर से इवनली कुक हो और बाहर से लाइट ब्राउन हो। अगर आप इसको डार्क ब्राउन कर देंगे तो भी आपका जो उसका जो टेक्सचर है या जो उसकी जो ब्यूटी है लहसुनी गोभी की वो कम हो जाएगी। ये देखिए, हमारे फ्लोरेट्स जो है वो गोल्डन होने लगे हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। इसी तरह आपको सारे फ्लोरेट्स को अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक हमारे फ्लोरेट्स फ्राई हो रहे हैं तब तक हम अपनी गार्लिक और बाकी जितनी इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हम उनको प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने गार्लिक ली है, 2 गार्लिक क्लोव लिए हैं। आप चाहें तो इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट मैं फ्रेश इन्ग्रीडियंट्स डालना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और दूसरी बात कि जो स्टोर बॉट आपके जो इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, यानी जो ऑलरेडी बनाया हुआ आपका जिंजर गार्लिक का पेस्ट होता है उसमें काफी प्रिजर्वेटिव भी होता है। 1 मीडियम साइज अनियन ली है। आप चाहे तो अनियन के बड़े बड़े स्लाइस भी कर सकते हैं, बट मुझे बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं करने, बट मैं चाहती हूँ कि हमारी जो अनियन है वो हमारी गोभी की सब्जी में दिखे, तो उसके लिए मैं इसको रफली चॉप कर रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने 2 टमाटर की प्यूरी ली है और जिंजर को हम यहाँ पर मैं ग्रेट करने वाली हूँ। ये देखिए, हमारी गोभी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसको एक बार पेपर टॉवल से एक्सेस जो ऑयल अगर आपको और लग रहा है तो आप उसको भी हटा सकते हैं। अब इस रेसिपी में आपको बहुत ज्यादा ऑयल डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो गोभी है उसमें ऑयल है। तो यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट लाइक 1.5 टीस्पून ऑयल ले रही हूँ, क्योंकि ये गोभी है, बोलते हैं कि गोभी में गैस होती है, गैसी होती है वो, तो इसके लिए हम यहाँ पर मेथी दाना यूज कर रहे हैं इसको छौंकने के लिए। आपका मेथी दाना अच्छे से भुन जाए। देखिए, ये हमारा मेथी दाना जो है वो कलर चेंज कर रहा है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे गार्लिक, जिंजर। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। मैं ऐड कर रही हूँ देगी मिर्च 1 टीस्पून कलर के लिए। और अब हम इसमें अपनी अनियंस भी ऐड कर देंगे।
यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया था, क्योंकि हमारी जो अनियन है उसको थोड़ा मैं कोशिश कर रही थी कि हम कब ऑयल में बना लें, बट हमारी अनियन जो है वो अच्छे से कुक नहीं होंगी अगर उनको ऑयल नहीं मिलेगा। धनिया, रेड चिली पाउडर और ये हमारी जो टोमेटो प्यूरी हमने बनाई थी, अब हम इसको ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट और अब हम यहाँ पर टमाटर को अच्छे से कुक होने देंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। ये देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से भुन गई है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे ये गोभी। यहाँ पर आपको इसको गोभी को डालने के बाद बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस इतना कि गोभी अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। यहाँ पर जाएगा इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया। के बाद जब आप इसको कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो अपने आप गोभी जो है वो मैरिनेट हो जाएगी। ये देखिए हमारी गोभी बनकर बिल्कुल तैयार है। ट्राई करिए और इंजॉय करिए।